हाय गाइस, आज हम सीखेंगे फिर मोहब्बत फ्रॉम द मूवी मर्डर 2। बहुत ही प्यारा गाना है, इसको बजाने के लिए आपको केपो 3rd फ्रेट में लगाना है। सो पहले हम देखते हैं गाने में लगने वाले कॉर्ड्स, ए माइनर, सिमिलरली एफ मेजर। ये एफ मेजर बजाते वक्त आपको क्या करना है कि फर्स्ट स्ट्रिंग ओपन छोड़ देना है। सिमिलरली जी मेजर, ई मेजर, ई माइनर और फिर डी माइनर। सो ये है गाने में लगने वाले कॉर्ड्स, ए माइनर, एफ, जी, ई मेजर, ई माइनर एंड डी माइनर। सो पहले हम देखते हैं गाने का इंट्रो। ए माइनर कॉर्ड में आपको ये 3rd स्ट्रिंग ओपन छोड़ देना है, फिर 5, 4, 2 और उसके बाद 2nd स्ट्रिंग ओपन ऐसे, उसके बाद 3rd स्ट्रिंग भी ओपन ऐसे, उसके बाद 4th स्ट्रिंग का आपको 3rd फ्रेट लेना है, ठीक है ऐसे। हम ये ए माइनर कॉर्ड लेते वक्त 4th स्ट्रिंग का 2nd प्रेस कर रहे थे और लास्ट में आपको 4th स्ट्रिंग का 3rd लेना है ऐसे। और उसके बाद क्या करना है कि ये रिंग फिंगर यही रखना है आपको, मतलब 4th स्ट्रिंग का 3rd फ्रेट में ही रखना है और उसके बाद थंब से ये 6th स्ट्रिंग का 1st फ्रेट लेना है, ये प्रेस करना है, ठीक है। ये एफ नोट बजता है और उसके बाद 6, 4 फर्स्ट फ्रेट ऑन द 2nd स्ट्रिंग और उसके बाद 2nd स्ट्रिंग ओपन, सेम रिपीट करना है से। और इस बार आपको एंड करते वक्त 4th स्ट्रिंग का 2nd फ्रेट लेना है, ठीक है। ये सेम ही रिपीट हो रहा है पैटर्न, बस आपको पहले ए माइनर कॉर्ड में रूट नोट ए ओपन 5th स्ट्रिंग लेना है और एंड करते वक्त 4th स्ट्रिंग का 3rd फ्रेट में एंड करना है। और एफ बजाते वक्त आपको रूट नोट क्या लेना है, ये 6th स्ट्रिंग लेना है, बाकी पैटर्न रिमेंस द सेम। और इसको एंड करते वक्त 4th स्ट्रिंग का 2nd लेना है, ठीक है। सो ये था गाइस गाने का इंट्रो। अब हम गाने का स्ट्रमिंग पैटर्न देखते हैं। स्ट्रमिंग पैटर्न कुछ ऐसा है, डाउन चक डाउन चक डाउन चक डाउन चक, ऐसे यूज कर सकते हैं। अब वर्स में आपको क्या जाना है कि जब जब मेरे पास तू आया एक सुकून मिला, ए माइनर, जी, एफ और फिर ए माइनर, इस कॉर्ड में एक एक राउंड। जब जब मेरे पास तू आया एक सुकून मिला, जिसे मैं था भूलताया वो वजूद मिला, जब आए मौसम गम के तुझे याद किया हो, जब से मैं तन्हापन से तुझे याद किया। और उसके बाद कोरस आता है, कोरस आने से पहले आपको ये बीच में एक गैप है फिल करना है। मैं प्लकिंग पैटर्न भी लाइक आपको लास्ट में बताऊंगा, पहले मैं इसे स्ट्रमिंग करके सिखा देता हूँ। इसमें आपको क्या करना है कि जी, एफ, ए माइनर, दिल
ऐसे जाना है, ठीक है। मैं लास्ट लाइन गा के दिखाता हूँ। जब से मैं तन्हापन से तुझे याद किया, उसके बाद गैप फिल करना है, जी एफ ए माइनर। संभल जा जरा, फिर मोहब्बत करने चला है तू। आपको कोरस में ए माइनर, ई माइनर, एफ और फिर ई मेजर जाना है। ए माइनर में आपको दो राउंड्स प्ले करना है ऐसे। दिल संभल जा जरा, फिर मोहब्बत करने चला है तू। दिल यही रुक जा जरा, फिर मोहब्बत करने चला है तू। और उसके बाद ये बीच में एक फीलिंग टाइप का है, अगर आपको ये करना है तो आपको ए माइनर कॉर्ड लेना है, ये इंडेक्स फिंगर को ओपन ही छोड़ दीजिए, लाइक सेकेंड स्ट्रिंग को ओपन, 5 4 3 सेकेंड स्ट्रिंग ओपन, और आपको इंडेक्स फिंगर को ये फर्स्ट फ्रेट में रखना है, और उसके बाद पिंकी को थर्ड फ्रेट में रखना है सेकेंड स्ट्रिंग का, उसके बाद थर्ड स्ट्रिंग, और फिर से इंडेक्स फिंगर को लिफ्ट कर देना है ओपन, और फिर से रखना है ऐसे। ऐसा क्यों कर हुआ, जानू ना मैं जानू ना। इसमें आपको सिंपली डी माइनर और ई माइनर प्ले करना है, फिर उसके बाद दिल संभल जा जरा, ऐसे ही प्ले करना है। और उसके बाद एक वर्स आता है जिसका कॉर्ड प्रोग्रेशन, जिस राह पे है घर तेरा अक्सर वहां से हमें हूं गुजरा। इसमें आपको ए माइनर, एफ और फिर ई मेजर प्ले करना है, सेम आपको ए माइनर में दो राउंड प्ले करना है। जिस राह पे है घर तेरा अक्सर वहां से हमें हूं गुजरा, शायद यही दिल मेरा तू मुझको मिल जाए, क्या पता क्या है ये सिलसिला, जानू ना मैं जानू ना। दिल संभल जा जरा, फिर मोहब्बत करने चला है तू। सो यही था गाइस, बाकी वर्स भी सेम आपको ऐसे ही जाना है। और अब मैं क्या करता हूँ कि आपको प्लकिंग पैटर्न बताता हूँ, लाइक मैंने गाने का एग्जैक्ट प्लकिंग पैटर्न तो नहीं सिखाया हुआ है, बस आपको खुद से लाइक अरेंज करके सिखाया हुआ है, ठीक है। आप ये पैटर्न यूज कर सकते हैं, 5 4 3 2 3 1 ए माइनर में, एफ मेजर में भी सेम, जी माइनर में आपको फिफ्थ की जगह सिक्स प्ले करना है, 6 4 3 2 3 1 ई मेजर में भी सेम, डी माइनर में प्ले करना है तो 4 3 2 1 2 3 मैं वर्स थोड़ा गा के दिखाता हूँ। जब जब मेरे पास तू आया एक सुकून मिला, जिसे मैं था ढूंढता लाया वो वजूद मिला। फिर मोहब्बत करने चला है तू।
ऐसा क्या कर हुआ, जानू ना मैं जानू ना। सो ये था गाइस गाने को प्लकिंग में बजाने का तरीका। आप इम्प्रोवाइज करके खुद से भी कोई रैंडम प्लकिंग प्ले कर सकते हैं, ये एग्जैक्ट प्ले करना जरूरी नहीं है। तो ये था गाइस गाने का लेसन। कोई भी कंफ्यूजन है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, एंड इफ यू आर न्यू टू द चैनल देन प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।